हेलो दोस्तों, थोड़ा एक बार फिर स्वागत है थोड़े ही अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है जिम ही लाइफ। दोस्तों जिस तरह सानू पता ही है कि अपने चैनल का मोटिव, अपन वीडियोज़ का मोटिव यही है कि मैं वो सीक्रेट्स थोड़े न शेयर करा जेडे सीक्रेट्स थानू पैसे खर्च के भी नहीं मिलते, या काफ़ी टाइम हो गया किसी जिम के अपने कोचिज के अंडर ऑब्जरवेशन एक्सरसाइज लगा रहे हो और थोड़ी बॉडी इंप्रूव नहीं हो रही। तो मेरी कोशिश इस वीडियो इस चैनल के माध्यम के थ्रू यही है कि मैं थोड़ा सीक्रेट्स वो ऐसा गल् दसा जड़िया गल् नहीं पता और किसी भी चैनल तो किसी भी कोच तो गलों का नहीं पता लगता, वो सीक्रेट्स थोड़ा शेयर करा, उन्होंने सीक्रेट्स के उत्ते वीडियो बना के थोड़ी सेवा दे हाजिर करा, पेश करा। तो दोस्तों चैनल को सबसक्राइब करो, लाइक करो, वो तो शेयर करो उन्होंने दोस्तों के नाल जिन्हों दोस्तों पैसे खर्च के भी सीक्रेट्स या इनफॉर्मेशन या सही गाइडेंस नहीं मिलती, या जेडे दोस्त छोटे शहरों के पिंड एक्सरसाइज करते हैं, कबड्डी प्लेयर ने, बॉडी बिल्डिंग करते हैं, अपनी बॉडी को फिट रखना चाहते हैं, या उन्होंने मेहनत का वर्जिश करने का शौक है, पैसे खर्च के वो एक्सरसाइज नहीं लगा सकते, जिम के फीस दे के एक्सरसाइज नहीं लगा सकते, या पैसे खर्च के कोचिंग नहीं ले सकते, उन्होंने गरीब दोस्तों की मदद करो ये वीडियो शेयर करके। दोस्तों जिमें कि तुम्हें पता ही है कि आप बॉडी के कल मसल के उत्ते एक सीरीज बना रहे हैं, चैसट और लैग की सीरीज कंप्लीट हो चुकी है, उन्होंने वीडियो सीक्रेट्स की मैं गल की सीक्रेट्स के उत्ते मैं अलग अलग वीडियो बना के कल मसल के उत्ते कली एक्सरसाइज के उत्ते जो सीक्रेट्स ने उन्होंने उत्ते वीडियो बना के मैं जरूर थोड़े न शेयर कराँगा, वो गल्लां साझियां कराँगा, वो इनफॉर्मेशन पास आउट कराँगा जो मैं काफ़ी सालों के अपने एक्सपीरियंस के नाल गेन कीतियां या अपने दोस्तों को गल्लां सीखियां या उन्होंने गुरुजनों को सीखियां जिहड़ियां गल्लां काफ़ी सालों बाद पता लगता है टाइम वेस्ट करके। जदों टाइम निकल जाता है कई मेरे दोस्त इदा के है जिन्होंने पता है 10-10 साल एक्सरसाइज जिम के टाइम वेस्ट करके जो उन्होंने पता लगता है कि बेसिक इनफॉर्मेशन या बेसिक टैक्नीक एक्सरसाइज लगाने की यह है या सी तो असी इदा नहीं लगाया सानू साड़ी बॉडी के साइड इफेक्ट आए तो उदो टाइम निकल चुका है। तो मेरा मोटिव यही है कि तुसी अगर जिम स्टार्ट कर रहे हो तो उम्र टीनेजर एज के हो तुसी या 20 साल या अपनी रोज़मर्रा की जिंदगी चो टाइम कट के अपनी बॉडी को फिट रखना चाहते हो तो तुसी लेट एज के एक्सरसाइज लगा रहे हो तो इंजरीज ना हो छेती थानू बेनीफिट मिले, उन्होंने सीक्रेट्स को जानने वास्ते इन्होंने वीडियोज़ को जरूर देखो। यही मेरी कोशिश है कि जी मेरी नॉलेज है जी मेरी इनफॉर्मेशन है मैं पास ऑन करा, फ्री थानू गाइड करा। तो यही मेरी कोशिश है, यही अपने चैनल का जोड़ा मेन टारगेट है, यही अपने चैनल की कोशिश है कि वो तो बाद जिनी भी इनफॉर्मेशन है वो थोड़ा पास ऑन की जाए। तो दोस्तों आपू पता ही है कि आप बैक मसल के उत्ते सीरीज बना रहे हैं, लैग्स वी शेप के उत्ते सीरीज बना रहे हैं, दो एक्सरसाइज के उत्ते आपां वीडियो बना ली है, पुलअप्स और चिनिंग और हाईलाइट लैग्स पुली। चिनिंग और पुलअप्स थोड़ा ही फर्क है, इन्हां दे उत्ते पुलअप्स उत्ते वीडियो बन चुकी है, चिनिंग के उत्ते आपां बनावांगे, हाईलाइट और लैग्स पुली एक मशीन एक एक्सरसाइज दो नाम हाईलाइट पुली और लैग्स पुली। तो अज आप जी वीडियो की गल कर रहे हैं जी एक्सरसाइज की गल कर रहे हैं वो है रिवर्स ग्रिप हाईलाइट पुली या लैग्स पुली। तो ये किस तरह लगानी है आओ देखते हैं, ये बारे गल करते हैं। सीक्रेट्स उत्ते मैं फिर तुम दसदा कि दोस्तों मैं अलग वीडियो बनावगा जरूर थोड़े ना शेयर कराँगा, पास ऑन कराँगा, ता ही कराँगा जो तुम अपना प्यार दिखाओगे कि तुम इन एक्सरसाइज तो बेनीफिट हो रहा है, तुहानू मेरी इनफॉर्मेशन अच्छी लग रही है तो मैं सीक्रेट जरूर दसागा। और ये वीडियो किस तरह दग रही ने कमेंट्स के जरूर शेयर करो, अपने दिल दिया गल् जरूर शेयर करो, वो सू इंस्पीरेशन मिलती है, हौसला बजाई होती है कि तुम तो वीडियो देख रहे हो, इन्हों लाइक कर रहे हो तो सानू साडा उत्साह बढ़ता है। तो अज आप इस रिवर्स ग्रिप लैग्स पुली जी बेसिक इनफॉर्मेशन
या बेसिक नॉलेज मैं तुम्हें दवांगा किस तरह लगानी है, कि गलों का ध्यान रखना है। आओ देखते हैं ये एक्सरसाइज किस तरह लगानी है। दोस्तों जिस तरह सबको पता ही है कि जो आप लैफ्ट पुली या हाईलाइट पुली जो लास्ट वीडियो में ग्रिप बारे दसिया कि ग्रिप जोड़ा है वो रोड तो जिसे बैंड है यदा जो स्टैंडर्ड लैंथ होंगी है और इस बैंड को ग्रिप पाना है, ग्रिप पूरा होना चाहिए है। हथेली उंगलों को पूरा बंद करके इंडेक्स फिंगर अंगूठे के नाल प्रेस करना है, ये ग्रिप अच्छा होता है। अगर थोड़ा ग्रिप वीक है कमजोर है तुम ग्रिप लूज रखते हो तो पूरा जिन्ना भी वेट तुम उठाते हो उस वेट का पूरा फायदा थोड़े मसल को ग्रोथ करने वास्ते नहीं होता और थोड़े इंजरी के चांसिस भी बढ़ जाते हैं। दोस्तों अगर थोड़ी बॉडी लाइन थोड़ी पोजिशन एक्सरसाइज के दौरान अच्छी है, थोड़ा ग्रिप अच्छा है तो रिजल्ट थोड़े बढ़ जाएंगे। परसेंट वेरिएशन बहुत बढ़ जाती है जिसे थोड़ा 100% रिजल्ट मिलना है। अगर थोड़ा ग्रिप ठीक नहीं है बॉडी लाइन ठीक नहीं है उसे 60-70% रिजल्ट मिलेंगे और 50% चांसिस इंजरी के बढ़ जाते हैं। तो रिवर्स ग्रिप एक्सरसाइज किस तरह करनी है, रिवर्स ग्रिप जिहड़ा रॉड दे बैंड ने और थोड़े जो शोल्डर का जितने वाइड ने आपस के जिनी थोड़ी शोल्डर टू शोल्डर दूरी है उन्होंने तुम्हें 1-2 इंच बाहर वाले पासे थोड़ा जा वाइड ग्रिप पाना है। ग्रिप पाने की उसकी टेक्निक है रिवर्स ग्रिप पाना है, तुम्हें पूरी हथेली उंगलों को पूरा रॉड को पकड़ के इंडेक्स फिंगर अंगूठे के नाल प्रेस कर लेना है और तुम्हें बैठ जाना है। टेक्निक हो गई है कि अपनी बॉडी को तुम्हें अगे पिछे नहीं करना, इस तरह तुम्हें एक्सरसाइज नहीं लगानी। अगर तुम इस तरह एक्सरसाइज लगा रहे हो तो थोड़े मसल के उत्ते प्रेशर नहीं पड़ेगा और ये इंजरी के चांसिस बढ़ते हैं, बेनीफिट कुछ नहीं होता। तो बॉडी को तुम्हें स्ट्रेट रखना है, चेस्ट ओपन होनी चाहिए है, स्पाइन अंदर होनी चाहिए है। मेरी इस मशीन के अंदर सीट लगी हुई है, यदा बेनीफिट यह है कि थोड़ा पता होता कि तुम्हें छाती इस सीट के नाल चेस्ट जी है टच करके रखनी है और एल्बो तुम्हें पिछे लैके जाते हैं। इस एक्सरसाइज के नाल थोड़ी बैक के वो मसल डिवेलप होंगे, छोटे और बड़े आइसोलेटेड मसल जोड़े है वो वर्क करेंगे और थोड़े चेस्ट के काफ़ी मसल इंप्रूव होंगे, शार्पनैस बनेगी, बल्कनैस आएगी और मैं तुम्हें 10 रैप लगा के देना चाहना। लैफ्ट पुली या हाईलाइट पुली तो अगर तुम इस एक्सरसाइज के नाल अपनी बॉडी को इंप्रूव करते हो तो बेनीफिट मिलता है तो कमेंट के जरूर दसो और थोड़े कमेंट ही सानू होर अगे हौसला बजाई करते हैं कि होर इदा दी इनफॉर्मेशन असीं तुहाडे नाल सांझियां करिए जिहदे नाल तुसीं अपनी बॉडी को इंप्रूव कर सको। अगर तुम दोस्तों 15-20 रैप लगाते हो तो थोड़े मसल शार्प होंगे, फैट रिड्यूस होएगी और कटिंग ज़्यादा होएगी जिदे मसल थोड़े शेपअप हो गए, अच्छी उन्होंने लुक होएगी। अगर तुम बलक के मसल को लैके जाना चाहते हो तो 6-7-8 रैप से 3-5 सैट लगा सकते हो। तो दोस्तों ये इनफॉर्मेशन ये वीडियो किस तरह की लगी शेयर जरूर करो, कमेंट्स के जरूर दसो और चैनल को सबसक्राइब करना ना भूलियो। कल फिर मिलेंगे नवी वीडियो नवे टॉपिक नवी एक्सरसाइज के नाल, तब तक देव दादर। थैंक यू दोस्तों।